सारा कुकर्स में मैं शमाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू पकोड़ा बनाएंगे जो किसी पूरी की तरह फूल कर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आलू पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के आलू को पील करके ले लिया है। अभी हम इसके चिप्स तैयार कर लेंगे। एक इस तरह इसका ग्रेटर लिया है और इससे मैं इसके चिप्स तैयार कर लूंगी। अगर हम इसे एक्स्ट्रा प्रेस करते हुए ये चिप्स बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट तैयार होते हैं आलू पकौड़ा के लिए। देखिए, इसी तरह से हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये मैंने ये चिप्स तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं इसे इसमें से उठाकर ये पानी रखा है मैंने यहाँ पर, इसमें इसे धोने के लिए डाल दूंगी। और इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए आलू के भी चिप्स तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने आलू के सारे चिप्स तैयार कर लिए हैं। अभी मैं इसे 1-2 बार साफ पानी से धो के ले लूंगी। तो ये देखिए, ये चिप्स को मैंने 1-2 बार साफ पानी से धो के ले लिया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इस तरह से ये आलू के चिप्स को नमक के पानी में डुबो के रखते हैं ताकि इन आलू में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तभी आपके पकोड़े अंदर तक टेस्टी बनेंगे। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसे अब हम 1/2 घंटे के लिए साइड में ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इन पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करने के लिए मैंने इस बाउल में 1 छन्नी रख दी है। अभी मैं इसमें 1 कप और 1/2 कप, मतलब हमने टोटल इसमें 1.5 कप जितना बेसन का आटा डाल दिया है। अभी हम इसे छान कर ले लेंगे। बेसन के आटे को हमेशा छान कर ही यूज करें, इससे इसमें लम्स पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी मैं इसमें 1/2 कप चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल के आटे से ये पकोड़े और भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 1 टीस्पून नमक या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हो। अभी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला डाल रही हूँ। अगर आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हो तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम डाले और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गर्म मसाला भी डाल दे। इसमें ये सारी चीजें होती है इसलिए हमें ये अलग अलग डाल की जरूरत नहीं होती। तो मैं सिर्फ 1 ही चीज इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को हाथ से हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कटा धनिया डाल रही हूँ। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हुए बैटर बनके तैयार हो गया है। इसे मैंने नॉर्मल बैटर से हल्का सा थिक रखा है ताकि ये आलू के चिप्स को अच्छे से कोट कर ले। अभी मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। जब तक हमारा ये बैटर सेट हो रहा है तब तक हम ये चिप्स की तरफ चलते हैं। इसमें से ये हम पूरा पानी हटा लेंगे। ये चिप्स में से पूरा पानी हटा लिया है मैंने। अभी मैं इसे ऐसे ही कुछ देर के लिए इस छन्नी के ऊपर रख देती हूँ ताकि इसमें से पूरा जो पानी है वो नीचे चला जाए। तो ये देखिए, इस आलू के चिप्स को मैंने 2 से 3 मिनट तक इस छन्नी पे रखा है। अभी हम फिर भी मुझे थोड़ा ये जो पानी दिख रहा है इसे मैं इस तरह से टैप करके ले लूंगी एक किचन टॉवल की मदद से। अगर इन चिप्स में पानी ज़्यादा रह जाता है तो हमारा बैटर भी इसकी वजह से पतला हो जाता है, इसलिए हम इस तरह से इसे थोड़ा सा टैप करके ले लेते हैं।
ये हमारे आलू के चिप्स काफी ड्राई हो गए हैं और हमारा ये बैटर भी एकदम सेट लग रहा है और ये सेट होने से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बस 1 टीस्पून जितना, और अच्छे से मिला लेती हूँ। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है और सबसे आखिर में मैं इसमें ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ये 1 चुटकी और ये 2 चुटकी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सबसे आखिर में डालना है हमें से। अभी हम इसके पकोड़े तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था और ये गरम भी हो चुका है। अभी हम इसमें एक एक चिप्स इस तरह से इसमें डुबो के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो रहा है, आप देख सकते हो इसमें। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसे हम आराम से सिकने देंगे, ये अपने आप फ्राई होकर ऊपर आ जाते हैं पकोड़े। एक साइड से अच्छे से सिकने के बाद हम इसे पलट लेंगे। इसे हम अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में पलटते हुए फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ये पकोड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसमें से इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, कितने फुले फुले और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं ये। इसी तरह से मैं बाकी सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लूंगी। अभी आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज लाइक कर दीजिए। तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इसे इस सर्विंग प्लेट पर निकाल रही हूँ। सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर 1 चुटकी एक चाट मसाला छिड़क रही हूँ, 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ये हरा धनिया। ये तैयार है। तो हमारे बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनके तैयार है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और ज़्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakukhouse.com। और अभी आप हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख पाएंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।